नवनिर्माण किए गए वैसे अटल ब्रिज के पास बन रही वैसे ट्रैफिक समस्या को सुलझाने के लिए आज अकोटा के विधायक चैतन्य देसाई द्वारा स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए डिवाइडर को बढ़ाने का आयोजन किया गया है। पहले से कोई ना कोई कारणों के चलते विवाद और चर्चा का स्थान रहते वैसे अटल ब्रिज के पास आज एक बार फिर ट्रैफिक समस्या को लेकर विधायक चैतन्य देसाई द्वारा मुलाकात ली गई। अकोटा के विधायक चैतन्य देसाई द्वारा ट्यूब कंपनी गजानन चौरास्ते के पास अटल ब्रिज के पास पहुंचते हुए यहां पर बन रही वैसी ट्रैफिक समस्या को सुलझाने के लिए आयोजन के लिए चर्चा विचारणा की गई, जहां कॉर्पोरेशन के अधिकारी तथा विधायक चैतन्य देसाई ने ट्यूब कंपनी चौरास्ते के पास पहुंचते हुए रोड का निरीक्षण करने के साथ यहां पर कोई भी हादसा घटित न हो उसको लेकर चर्चा की गई थी। गजन कॉम्प्लेक्स से लेकर अकोटा की ओर आते वैसे वाहन चालक अक्सर रॉन्ग साइड पर दौड़ने के कारण जब से ब्रिज बना है तब से यहां पर रॉन्ग साइड दौड़ते हुए ट्रैफिक को और भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में रॉन्ग साइड आ रहे वैसे तमाम वाहन चालकों को रोकने के लिए यहां पर 18 मीटर का रोड यानी कि डिवाइडर को बढ़ाया जाएगा वैसा आयोजन करते हुए जानकारी दी गई थी। चेकिंग तो नहीं पण साथे कॉर्पोरेशन अधिकारी ने लईने आव्या छे। अहींया एक इश्यू एवो छे के आ रस्तो गजानन कॉम्प्लेक्स थी थईने अकोटा गार्डन तरफ जाए छे अने ब्रिज थया पछी वच्चेनो मीडियनो कट बंद करी देवामां आव्यो छे, एटले वधारे करीने वाहनो अहींया रॉन्ग साइड बहु जता होय छे अने अवरनवर अहीं एक्सिडेंटना घटनाओ बनती होय छे। एटले जे सेंट्रल मीडियन छे 18 मीटरना रोड पर एने लंबावानी वात छे, एने लंबावीने एटला हद सुधी लई आवी के लोको રોંગ સાઈડ જતા ડિસ્કરેજ થાય એના માટે કરીને આ વિષય આજે લીધો છે। કેટલા સમય સુધી કામગીરી ચાલુ થશે? લગભગ અઠવાડિયામાં ચાલુ થઈ જવી જોઈએ અને પૂર્ણ પણ વહેલી થઈ જવી જોઈએ, સાથે ઇલેક્ટ્રિકનો પોલ પણ આને લેવાનો થશે એટલે પૂર્ણ કામગીરી થતાં થોડો સમય થશે, પણ ડિવાઇડર અમે લંબાવી લઈશું।